माननीय शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देश और आदेश जारी किए गए हैं। इस जनपद में कल 17 अक्टूबर यानी तृतीय मंगलवार को प्रत्येक माह की आपको संकुल शिक्षक बैठक आयोजित होती है और 17 अक्टूबर को संकुल शिक्षक बैठक के संबंध में शिक्षक संकुल बैठक का समय 10 से 1 बजे तक। देखें यह आदेश, कोई भी संकुल शिक्षक कल अवकाश नहीं लेंगे, डीसी अब भरना अनिवार्य है। देखें बीएसए महोदय का आदेश। साथियों, विशेष शिक्षक संकुल बैठक माह अक्टूबर के आयोजन के संबंध में उपरोक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समक्ष शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक दिनांक 5 अक्टूबर 2023 एवं अधोस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक दिनांक 11 अक्टूबर 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का रिक्वेस्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षक संकुल बैठक के आयोजन हेतु मासिक कैलेंडर एवं निर्देश प्रेषित किया गया था। शासन के निर्देशों जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में माह अक्टूबर का शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन दिनांक 17 अक्टूबर 2023 तृतीय मंगलवार को समय प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक किया जाएगा, जिसके संबंध में निर्देश निम्नवत है। माह अक्टूबर 2023 में शिक्षक संकुल बैठक राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्धारित निर्देश व कैलेंडर के अनुसार किया जाए। नोडल शिक्षक संकुल के द्वारा एवं बैठक पंजिका बनाई जाए, जिसका उपयोग प्रत्येक माह की बैठक में किया जाए। उक्त पंजिका में बैठक से संबंधित समस्त कार्यवाही, बैठक का एजेंडा, प्रस्तुतिकरण विवरण, टीएलएम का प्रदर्शन आदि अंकित किया जाए। उक्त पंजिका में न्याय पंचायत के समस्त शिक्षकों का नाम, पद नाम, विद्यालय का नाम अंकित किया जाए। पंजिका में सभी शिक्षकों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। जो शिक्षक अनुपस्थित हों उनके नाम के सम्मुख अनुपस्थित लिखा जाए। बैठक के समाप्ति के बाद उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का फोटो पीडीएफ 15 मिनट के में खंड शिक्षा अधिकारी को भेजा जाए। खंड शिक्षा अधिकारी उक्त का अवलोकन कर अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट अधोस्ताक्षरी को प्रेषित करेंगे। समस्त शिक्षक संकुल के द्वारा 100% डीसीएफ बनाने की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी की होगी। बैठक की फोटो अपलोड किया जाना अनिवार्य है। डीसीएफ नहीं भरे जाने एवं फोटो अपलोड नहीं किए जाने की स्थिति में समीक्षा करते हुए कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक संकुल बैठक के दिन कोई भी शिक्षक अवकाश पर नहीं रहेगा, अवकाश देय नहीं होगा। छठा बिंदु, समस्त शिक्षक संकुल अपने विद्यालय के शिक्षकों को निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निपुण लक्ष्य ऐप के महत्व व उपयोग के बारे में अवगत कराएंगे। विद्यालय के समस्त शिक्षकों के द्वारा निपुण ऐप लॉगिन कर बच्चों का प्रतिदिन असेसमेंट किया जाना है। आठवां पॉइंट, अभिभावक के मध्य बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के, प्रत्येक शिक्षक संकुल के द्वारा 10 अभिभावक से संपर्क स्थापित कर उन्हें बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षक संकुल के विद्यालय को दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय बनाने का लक्ष्य किया जाना है। संकुल शिक्षक अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय होने की स्वघोषणा करेंगे। शिक्षक संकुल बैठक में समस्त एआरपी एवं एसआरजी संलग्न विवरण के अनुसार न्याय पंचायत स्तरीय संकुल बैठक में प्रतिभाग करेंगे। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संकुल बैठक को निर्धारित कैलेंडर एवं एजेंडा के अनुसार आयोजित कराना सुनिश्चित करें। शिक्षक संकुल बैठक में अधोस्ताक्षरी के द्वारा ऑनलाइन अनुश्रवण किया जाएगा, जिसका लिंक पृथक से प्रेषित किया जाएगा। श्री लक्ष्मीकांत पांडे, जिला वैश्याधिकारी जनपद बुलंदशहर। ये साथियों जनपद बुलंदशहर के जिला वैश्याधिकारी महोदय का आदेश है 16 अक्टूबर 2023 का। और इस आदेश के अलावा यदि आपके भी जनपद का आदेश है कि ये समय परिवर्तन के संबंध में 10 से 1, अन्यथा जो महानिदेशक महोदय का आदेश है कि आपका 2 से 4 बजे तक आपकी संकुल शिक्षक बैठक होगी, तो आप अपने जनपद का ये क्लियर कर लें, स्पष्ट कर लें कि आपके जनपद का यह आदेश तो चेंज नहीं है, लेकिन ये बुलंदशहर जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का डीएम साहब की द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में माह अक्टूबर की शिक्षक संकुल बैठक के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। तो साथियों, आप भी अपने जनपद का देख लीजिए, अन्यथा महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में ही आपको अपना संकुल शिक्षक बैठक करानी होगी। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए और इस एजेंडा के आधार पर ही आप अपने विद्यालय में संकुल शिक्षक बैठक निश्चित करें।